जैसा कि आपको चाचा जी ने बताया, बहुत पुरानी दुकान है। और तो कैसा चल रहा है? ठीक है, लॉकडाउन की वजह से भी तब भी ठीक है। अच्छा, लॉकडाउन का असर पड़ा है? अच्छा, काफी असर, आधा हो गया, आधी हो गई है। इसीलिए हम लोग नया ले नहीं पा रहे हैं। रेलवे मांग रही भाई 25% 30% किराया जमा करिए लॉकडाउन का। अच्छा, इसलिए ले भी नहीं पा रहे हैं। तो जैसा है गाइज, हम लोग अब स्टेशन पहुंच चुके हैं, भदोही स्टेशन पे आ गए हैं, बनारस के लिए जाने वाले हैं। आपको हमने बताया ही है, तो हमारे साथी भी आ गए हैं साथ में, देवेंद्र। ये हैं देवेंद्र जी, हम लोग आज जा रहे हैं बनारस। आप देख सकते हैं लोग, देखिए भदोही स्टेशन आ गए हैं। ये है भदोही स्टेशन। यहाँ पे भी कल दीपावली था गाइज, तो आज जो है थोड़ा सा सुनसान है स्टेशन पे, उतना चहल कदमी नहीं है। हाँ, एक तरीके से कल जो दीपावली था, हम लोग आज छुट्टी था, तो सब लोग घूम लिए, बहुत दिनों बाद जा रहे हैं दोस्तों। वो देखिए मंदिर है, अगर आप भदोही स्टेशन से आएंगे तो ये है रास्ता सीधे ही, और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ये जाएगा, और उधर मंदिर है, उधर देख सकते हैं मंदिर है, मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए मंदिर है, और देखिए आपको मैं दिखाता हूँ टिकट कहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइज ये है भदोही स्टेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस यहाँ से आप आरक्षण केंद्र है जहाँ से आप टिकट प्राप्त कर सकते हैं, और यहाँ पे भी सुविधा दिया गया है बैठने का। कोविड काल में आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्किंग बनाई गई डिस्टेंस दिखाने के लिए, हम लोग यहाँ आ गए हैं। ये देखिए लाइन में लगे हुए हैं लोग, यहाँ से आप टिकट प्राप्त कर सकते हैं। आइए चलते हैं उधर दिखाते हैं। मैंने आपको दिखाया भी कि अगर आप आते हैं तो फिर उधर स्टैंड है, वहां से आप गाड़ी भी कर सकते हैं, यहाँ पे लोग बैठे हुए भी हैं। और चाचा जी आपको कहाँ जाना है? अरे नहीं, मैं आ गया। अच्छा, आ गए हैं, कहाँ से आए? हम आए हैं सूरत से। अच्छा, सूरत से। देखिए अभी सूरत से आए हैं, और वहाँ पे ऑटो भी लगा हुआ है, हमें लगता है ये अपना साधन मंगा रहे होंगे जाने के लिए। हाँ, ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनके साथ फैमिली आई हुई है। स्टेशन के अंदर आएंगे तो ये कुछ नज़ारा आपको ऐसा देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठने की सुविधा भी दी गई है, यहाँ पे बेंच वगैरह भी है, लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। ठीक है, वेटिंग रूम है, और भी आपको दिखा सकते हैं। आपको अगर टिकट लेना है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। टिकट घर है, ये देखिए लिखा है टिकट घर। चलिए हम लोग भी टिकट ले लेते हैं, देखते हैं बनारस के लिए। ये टिकट घर है, आप देख सकते हैं गाइस, ये भदोही का स्टेशन है, आप यहाँ से टिकट प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि कल दीपावली था तो आज छुट्टी है, तो भीड़ बहुत कम है, और ये टिकट काउंटर है। एक बनारस के लिए सर टिकट दे दीजिए। कितने रुपये? 30 रुपये। अच्छा, चेंज ले रहे हैं, आई थिंक होगा मेरे पास चेंज, 30 रुपया है, तो हम टिकट ले लेते हैं, दे दीजिए रहेगा। तो हमने अब टिकट ले लिया है गाइस, ये देखिए हमारा टिकट मिल गया, अब हम लोग बनारस के लिए चलते हैं। और चलिए तो गाइस, हमने अभी टिकट ले लिया है, अब ट्रेन का इंतजार हो रहा है, और आज धूप भी है, और जैसा कि रात में ठंडा भी लगने लगता है थोड़ा बहुत, तो अभी ट्रेन इधर से ही आएगा, और देखते हैं कहाँ पहुँचा है ट्रेन। ट्रेन थोड़ा सा इधर देखते हैं, आइए और आगे चल के देखते हैं, कई लोग इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन का। तो ट्रेन का इंतज़ार हो रहा है गाइज, हम लोग अब आ चुके हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, और उसके बाद वो आप उधर दिखाइए वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, उधर प्लेटफॉर्म नंबर 2 है गाइज, उधर प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। आगे आप चलते रहेंगे, यहाँ कई लोग इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, और यहाँ से ट्रेन मिलता है। दोस्तों भदोही स्टेशन पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको उपाध्याय बुक स्टॉल मिल जाएगा। दोस्तों ये जो बुक स्टॉल है, यहाँ की अगर खासियत बताएं दोस्तों, हम लोग छोटे छोटे थे तब से आते थे, ये बहुत ही पुराना दुकान है, और प्रत्येक बात है ये हमारे मित्र आपको इंट्रोड्यूस करा दें। आइए सर, ये हमारे मित्र देवेंद्र जी हैं, ये हमारे साथ बनारस ये भी जा रहे हैं,
और हम लोग यहाँ पे जब क्लास 5 से लेकर के क्लास 12 तक जब खो खो खेलने या कहीं घूमने जाते थे तो बदर स्टेशन पे आते थे तो यहाँ से सामग्री वगैरह लेते थे। हमारे प्रिंसिपल सर जो कि श्री कृपेश पाठक जी थे वो हम लोग को साथ में खो खो ले जाने कई जगह ले गए हैं। क्यों जी, देवेंद्र से पूछ सकते हैं आप, देवेंद्र को भी मजा आता होगा। आप यहाँ लोग जब आते थे हम लोग उनके साथ जाते थे, बहुत सी ऐसी जगह थी जहाँ पे लोग नहीं गए थे तो वहाँ पे जाना अच्छा लगा, वहाँ पे बहुत चीज़ सीखने को मिली, यहाँ से हम लोगों ने बहुत चीज़ सीखा था। और आइए आइए एक बार अंकल जी से बात कर लेते हैं कि कितना पुराना अंकल जी का दुकान है। जी आपका ये दुकान कितना पुराना है? देखिए हम रहते नहीं है लेकिन ये दुकान है 1996 से। 1996 का गाइस, जैसा कि आपको अंकल बता रहे हैं ये शॉप है हमारी, स्टॉल थी तो उससे पहले से 79 से। अच्छा, लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया है। हम लोग पहले भी जाते थे, हमारे कृपेश पाठक करके हैं सेंट जेवियर के, वो हाँ तो हीरा लाल पाठक सर अब नहीं रहे, तो हम लोग जब वहाँ पढ़ते थे तो वहाँ से हम लोग आना जाना रहता था तो यहाँ पे आते थे तो सामग्री वगैरह लेते रहते थे। तो आज हम लोग आए तो हम कह आपसे भी चर्चा की जाए, बहुत पुराना जैसा कि आप लोगों ने दोस्तों देखा तो भदोही में, आप भदोही स्टेशन पे आएंगे तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। और ये बहुत ही इसमें जो इसका नव निर्माण हुआ है और चीज़ें बहुत बदल गई हैं। पहले अगर आप कई फोटो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा अपने चैनल पे, तो जैसा कि आपको चाचा जी ने बताया बहुत पुरानी दुकान है। और तो कैसा चल रहा है? ठीक है, लॉकडाउन की वजह से भी तब भी थी। अच्छा, लॉकडाउन का असर पड़ा है? अच्छा, काफ़ी असर हो गया, इसीलिए हम लोग नया ले नहीं पा रहे हैं, रेलवे मांग रही भाई 25% 30% किराया जमा करिए लॉकडाउन। अच्छा, ले भी नहीं पा रहे। जैसा कि आपको इन्होंने अपना कष्ट भी बताया कि हालांकि कोरोना काल जो महामारी रहा वो बहुत ही कष्टकारी रहा लोगों के लिए, और जिसका फलस्वरूप कई लोगों के जेबों पे और आर्थिक तंगी देखने को मिला और आप देख सकते हैं। तो आप आइए थोड़ा सा और आगे देख लिया जाए तो फिर हम लोग आगे रुक करते हैं। आप देख सकते हैं रासा, देखिए यहाँ पे थोड़ा ठंडा पानी वगैरह मिल जाएगा, और वहाँ पे भी एक माँ अम्बे फूड करके है, उधर दिखा दीजिए, उधर वहाँ जूम थोड़ा सा करिए, हाँ देखिए माँ अम्बे फूड करके है, वहाँ पे भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी जो आप लेंगे। उसी के बगल में ठंडा पानी भी देखने को मिल रहा है, वहाँ आप ले के पी सकते हैं। तो ये था भदोही स्टेशन, आप आएंगे तो ये प्लेटफॉर्म नंबर एक बार मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है जहाँ पर हम हैं, और इधर से हम बनारस के लिए जा रहे हैं वो सीढ़ी है, और उधर सीढ़ी से आना जाना रहता है, सबको पता है अनुमान क्या होता है। उसके बाद उधर प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, तो 1 और 2 दोनों प्लेटफॉर्म नंबर है जहां से ट्रेन आप पकड़ सकते हैं। तो आगे का व्लॉग कंटिन्यू रहेगा, चलिए देखते रहते हैं। एक बात और, हमारे जो कैमरा मैन है वो हमारे मित्र हैं, उनको भी आप परिचय कर लीजिए, ये हैं अतुल मौर्या जी।